सरकारी पीठ हुई तो वापस लाएंगे पलायन कर चुके उद्योग। श्रद्धालु ने ज्वालामुखी मंदिर में चढ़ाए सोने के आभूषण। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का निर्धारित पूंजीगत निवेश करने वाले उद्योगपतियों को कम से कम 200 मोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार देना होगा। सरकार ऐसे उद्योगों को ए श्रेणी में रखेगी। इसी तरह से बी श्रेणी में 150 करोड़ रुपए के उद्योग लगाने वाले पूंजीपतियों को कम से कम 150 और सी श्रेणी में 100 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश वाले उद्योगों को कम से कम 100 मोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करना होगा। इस शर्त के साथ प्रदेश सरकार ने 2025 तक निवेश नीति की प्रोत्साहन अवधि बढ़ा दी है। अभिनंदन समारोह के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का खूब गुणगान भी किया। वैचारिक मेधभदों को लेकर लंबे समय तक वीरभद्र सिंह के खिलाफ मुखर रहने वाले सुक्खू ने कहा कि दिवंगत वीरभद्र सिंह के गुणों से परिपूर्ण एक व्यक्तित्व थे। बच्चों की तरह उन्हें प्यार करते थे। राजनीति में सच्चाई के साथ रखकर लड़ना उनसे ही सीखा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश सत्यन वैद को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल गुरुवार को इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 26 जून 2021 को इन्हें हिमाचल हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 22 दिसंबर को जन्मे न्यायाधीश सत्यन वैद ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी से पूरी की। प्रोफेसर शशि कुमार धीमान को हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का दूसरी बार कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ हार्लिकर ने उनकी नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। प्रोफेसर शशि शुक्रवार को कार्यभार संभालेंगे। प्रोफेसर शशि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भौतिक विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वे 7 जनवरी 2011 से 25 जून 2013 तक तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले एवं संस्थापक कुलपति के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। अक्षय तृतीया को यादगार बनाने के लिए सोनी ज्वेलर्स शहरवासियों के लिए लेकर आए हैं आकर्षक ऑफर्स। अक्षय तृतीया के लिए आधुनिक और नवीनतम डिजाइन तैयार किए गए हैं। 30 अप्रैल से 5 मई के बीच खरीदारी करने पर सोने के आभूषण की बनवाई पर 20% और डायमंड ज्वेलरी की पूरी कीमत पर 10% सहित सोने और चांदी के सिक्कों की बनवाई पर 10% की मिलेगी छूट। पुराने सोने की पूरी होगी वापसी, चाहे आपने कहीं से भी लिया हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि हमारी सरकारी पीठ होती है तो प्रदेश से पलायन कर चुके उद्योगों को वापस लाया जाएगा। सरकार ग्रेटर परवाणु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विचार कर रही है। सीएम परवाणु में उद्योगपति संघ सदन के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए कटिबद्ध है और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास के बावजूद कांग्रेस नेता विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। चंडीगढ़ के एक श्रद्धालु ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर करोड़ों के सोने के आभूषण अर्पित किए। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण पादुका भी स्थापित की। गत मंगलवार देर रात शयनी आरती में भक्त ने सोने के मुकुट, मांगटीका, अंगूठी, चेन, कड़े, मालाएं और अन्य कई आभूषण माता की शयन आरती में अर्पित किए। ज्वालामुखी मंदिर के ACF राजेंद्र कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ निवासी एक श्रद्धालु ने देर रात 1.775 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण माता को अर्पित किए। वहीं मुख्य मंदिर गर्भगृह में स्वर्ण पादुका भी स्थापित की। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 पोस्ट कोड की टंगन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। चारों पोस्ट कोड की परीक्षाएं इसी माह में पूरी होंगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 की टंगन परीक्षा 5 मई से 7 मई तक आयोग के कार्यालय में होगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट कोड 843 की टंगन परीक्षा 23 मई को, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 823 की शॉर्ट हैंड और टंगन परीक्षा 9 मई से 12 मई तक और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 907 की शॉर्ट हैंड और टंगन परीक्षा 13 मई को आयोग के कार्यालय में होगी।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। भाजपा 50 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इसके लिए पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद बुधवार को पांवटा साहिब में अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पांवटा साहिब के भाटिया पैलेस में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल का विकास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रोहड़ू में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के चार लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात रोहड़ू क्षेत्र के गांव छुपाड़ी के साथ एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान सभी गाँव समोली में शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस छानबीन कर रही है। कोरोना संकट के बाद पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन सीजन अच्छा होने की संभावना थी, लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल मई में पर्यटकों की संख्या में 25-30% की कमी दर्ज की जा रही है। इसका कारण यह है कि मनाली से पर्यटकों का मोह कुछ कम हुआ है और मैदानी इलाकों के सैलानी जम्मू कश्मीर की ओर मुड़ गए हैं। लंबे अरसे के बाद पर्यटकों के लिए श्रीनगर के द्वार खुलने से मनाली का पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। हालांकि 15 मई के बाद मनाली में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।